आज हमारे देश के अंदर आप सोचिए, भोपाल से लेकर मुंबई तक आज इस देश के अंदर भी जो है इमैनुअल मार्केल का जो है विरोध हो रहा है। हमारा संप्रदाय खतरे में है तो वहां पर नारे लगने शुरू हो गए। अब फ्रांस के विरोध में नारे जो है जातिगत नारे लगवाता है, अरे भैया तुम्हारी कौन सी भैंस खोल दी। आज पाकिस्तान ने अपना नया बाप चुन लिया है जिसका नाम है टर्की। बस हाँ कि उनके जो है जिज्जों ने जो है ठेका उठा रखा है, जो एक संप्रदाय विशेष के ठेकेदार है उन लोगों ने एक झंडा उठा रखा है कि भैया हमारा संप्रदाय खतरे में है, चाहे लड़का हिंदू हो चाहे लड़की हिंदू हो, आखिर में कटना हिंदू को ही पड़ रहा है। तो जूलिया गिलार्ड का एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया उन्होंने, उन्होंने कहा भैया देखो मेरा देश मेरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, ये देश लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से चलेगा और मैं 24 घंटे की मोहलत देती हूँ। एयरपोर्ट पर प्लेन खड़े हैं, जिसको शरिया चाहिए वो तुरंत प्रभाव से जो है देश छोड़कर चला जाए। क्या पता आप सरकार के भरोसे बैठे हों और सरकार आपके भरोसे बैठी हो। एक म्यांमार से लेकर सीरिया और जर्मनी से लेकर फ्रांस में होने वाली तमाम घटनाएं, जिसका भारत से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, उन घटनाओं के गुस्से का प्रदर्शन यहाँ एक समाज कर रहा है। पर आप अपनी ही बहन बेटियों के साथ होती हुई ज्यादतियों पर खड़े नहीं होते, फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर छोड़ देते, आप कब खड़े होंगे। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे फ्रांस, फ्रांस के अंदर जो कट्टरपंथी इस्लामिक का जो एक जिहाद चल रहा है और एक पोस्टर को लेकर के एक टीचर की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है, उस विषय पर हमारे साथ वेद शर्मा जी हैं। शर्मा जी, कैसे देखते हैं कि जो इस्लाम है कट्टरपंथी और जो कट्टरपंथता दिखाता है, चाहे हम बात करें तमाम उन इस्लामिक कंट्रियों की जहाँ से उनको पनाह दी जाती है, कैसे देखते हैं कि जो आज फ्रांस के विपक्ष में खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि फ्रांस के प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। देखिए सुशील जी, सबसे पहली बात आज हमको और पूरे विश्व जगत को ये समझनी होगी कि कट्टरपंथ आज जो है किसी भी समाज में जो है उसकी स्वीकार्यता नहीं है, और किसी भी धर्म या संप्रदाय में कट्टरपंथ और इस प्रकार का जो ये बहुत ही आतंकित कर देने वाला जो वहाबिज्म जो आज एक विश्व में विश्व परिदृश्य में देखने को मिल रहा है, ये निश्चित रूप से मानवता के लिए जो है बहुत खतरनाक है। आपने देखा कि चार्ली हेब्दो में एक कार्टून छापने पर उसी फ्रांस के अंदर चार्ली हेब्दो के पत्रकारों का सर काट दिया गया था। आज फ्रांस के अंदर इमैनुअल मार्कल की सरकार है और वहाँ पर फिर उसी प्रकार के एक कुकृत्य की जो है पुनरावृत्ति हुई है, और जब वहाँ पर एक टीचर एक कोई कार्टून जो है उसके को दिखाते हैं तो वहाँ पर कैसे एक ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति ने उनका जो है सर जो है कलम कर दिया। ये कहीं ना कहीं आज जो आज हमारे देश के अंदर आप सोचिए, भोपाल से लेकर मुंबई तक आज इस देश के अंदर भी जो है इमैनुअल मार्केल का जो है विरोध हो रहा है। जहां देश की सरकार फ्रांस के साथ खड़ी है, यहां पर कुछ जो है कट्टरपंथी का जामा पहने हुए लोग, कट्टरपंथ का बुरका ओढ़े हुए लोग आज जो है यहां पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। भले ही उनको ये नहीं पता हो कि जो है फ्रांस में हो क्या रहा है, फ्रांस में किस प्रकार की बर्बरताएँ हुई हैं, परंतु किसी उनके संप्रदाय के ठेकेदार ने खड़े होकर बोल दिया आज जुमे के दिन, जहां भीड़ इकट्ठी थी, मौके का फायदा उठाते हुए कि जो हमारा संप्रदाय खतरे में है, तो वहां पर नारे लगने शुरू हो गए। तो ये जो जाहिलियत है, ये सबसे पहले लोगों के दिमाग से निकलनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज इस सभ्य समाज के अंदर जो है मानवता को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर देश हमारे देश की सरकार फ्रांस के साथ बड़े बड़े समझौते करती है, उसको लेकर के कांग्रेस के भी विवादित बयान आए कि जो राफेल है उसका क्या रेट है, वो तमाम ऐसी बातें हमें सुनने को मिली। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसका ऐसे जो कट्टरपंथी लोग हैं उनका विरोध नहीं कर रही है। देखिए, कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा इस देश की जनता ने जान देख समझ और भुगत कर 2014 में उनको डीथ्रोन कर दिया, परंतु उस पार्टी के जो शहजादे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं ये स्वीकारोक्ति है ही नहीं कि हम लोगों को इस देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज है कि हम जो है इस देश के शासक हैं और हम ताउम्र इस देश के शासक बने रहेंगे, और उस तुष्टिकरण की जो उनकी राजनीति आज तक रही है उसको कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग उसको कहीं ना कहीं सुदृढ़ करने की उनकी राजनीति आज तक जो है देखी जा रही है। क्यों आज भोपाल के अंदर इसी कांग्रेस का एक विधायक वहां पर जो है
हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करके जो है फ्रांस के विरोध में नारे जो है जातिगत नारे लगवाता है, अरे भैया तुम्हारी कौन सी भैंस खुल दी। आज इस देश के अंदर एक बड़ी कहावत चल पड़ी है कि अल्पसंख्यक जो है अल्पसंख्यक अशिक्षित रह गए, कोई अशिक्षित नहीं रहा। आज इस देश का सो कॉल्ड अल्पसंख्यक, पहली बात तो मैं उसको अल्पसंख्यक मानता ही नहीं, देश की दूसरी बहुसंख्यक जो प्रजाति है, देश का दूसरा बहुसंख्यक जो समाज है, वो सीरिया में क्या हो रहा है उसको लेकर भारत में प्रदर्शन करता है, वो जो है आपके म्यांमार में क्या हो रहा है उसको लेकर भारत में प्रदर्शन करता है, वो किसी और तीसरे देश में क्या हो रहा है उसको लेकर जो है अमर जवान ज्योति में वहाँ पर जाके हमारे शहीदों को जहाँ पे हम नमन करते हैं वहाँ पर जाके किस प्रकार का आंदोलन करता है, किस प्रकार का विभत्स आंदोलन करता है, वो इस देश की जनता ने देखा है, तमाम फोटोज आपको मिल जाएंगे। देखिए इस समाज के लोगों को आज कहीं ना कहीं हमें समझना होगा एज अ कंट्री और एज अ समाज कि उस जिस समाज को आप कंधे पर बिठा कर घूमते रहे पिछले 70 सालों से इस देश में, उस समाज को इस देश के लॉ एंड ऑर्डर, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए पहले भी अपना मजहब सर्वोपरि था, आज भी मजहब सर्वोपरि है, परंतु इस देश का, हमारे देश का एक बड़प्पन है। आज देखिए पूरे विश्व में क्या हो रहा है, मलेशिया का पूर्व प्रधानमंत्री, मलेशिया का मातिहारी मोहम्मद, वो आज क्या बयान दे रहे हैं कि जो फ्रांस के अंदर मुसलमान हैं उनको जो है फ्रांसीसी लोगों को काटने का पूरा अधिकार है। आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो भी जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है ये देखने और समझने की जो है ज़रूरत है। आज पाकिस्तान ने अपना नया बाप चुन लिया है जिसका नाम है टर्की। आज जिस टर्की के अंदर से जो है एक खलीफाइट चलता था, जो आज उसी टर्की के अंदर से भारत विरोधी आवाज़ें जो है लगाई जाती हैं, टर्की का राष्ट्रपति जो यहाँ के लिए कोई स्टेक होल्डर नहीं है, वो बयानात जो है तमाम बयानात कश्मीर से लेकर जो है भारत के मुसलमानों के लिए देता है। तो आज हम एक ऐसे दुराहे पर खड़े हैं कि जहाँ हमको दो चीज़ों में से एक चीज़ चुननी पड़ेगी, या हम देश को चुन लें या हम संप्रदाय को चुन लें, परंतु इस देश का जो टॉलरेंट बहुसंख्यक समाज है वो तो हमेशा ही जो है कानून का जो है पालन करता है, उसको समझता है, उसके हिसाब से चलने का प्रयास करता है, पर इस देश के अंदर एक ऐसा संप्रदाय भी है जिसको कानून अपने सहूलियत के हिसाब से याद आता है, जब उनके ऊपर जो है कानून का डंडा पड़ता है तो वो बचने के लिए जो है बड़े बड़े जो है वकीलों को खड़ा कर देते हैं। क्यों? उनको कानून तो चाहिए, सरकारी सुविधाएं तो चाहिए, पर उनको शरिया पहले चाहिए, उनको अपना संप्रदाय पहले चाहिए। तो भैया देश जो है लॉ ऑफ लैंड से चलेगा। आप वो भिंडी बाजार में जो आज वहाँ सड़कों पर इमैनुअल मार्कल के फोटो लगाए गए हैं, यदि आप अपना चैनल लेके वहाँ पहुँचेंगे और पूछेंगे ये आपने अपने किसका फोटो लगाया, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 99% लोगों को पता भी नहीं है कि फ्रांस में हुआ क्या है और किस चक्कर में विरोध हो रहा है। बस हाँ कि उनके जो है जिज्जों ने जो है ठेका उठा रखा है, जो एक संप्रदाय विशेष के ठेकेदार हैं उन लोगों ने एक झंडा उठा रखा है कि भैया हमारा संप्रदाय खतरे में है, चाहे वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा हो, पर हाँ कि भैया एक संप्रदाय विशेष या देश के अंदर जो थ्योरी चल रही है उसके खिलाफ चलना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी देश के अंदर भी आज यही हो रहा है कि जो भोपाल में कांग्रेस का विधायक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करता है कि ये कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस की सोच हमेशा ही तुष्टिकरण की सोच रही है, और ये जो फूट डालो और राज करो की राजनीति इस देश में 1947 से पहले थी, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उसी बैटन को आगे बढ़ाने का जो है प्रयास किया है। आप बताइए इस देश के अंदर जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है इस देश के दूसरे बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक बताकर जो है उनको और ज्यादा पावर देने के लिए पता नहीं कितनी संस्थाएं बना दी, कि मतलब ऑटोनोमस संस्थाएं बना दी, उनको इतना पावरफुल बना दिया। पर आज देश ये जानना चाहता है कि आप सबको समानता का अधिकार कब देंगे। जी सबसे बड़ी बात है कि अगर फ्रांस के अंदर एक टीचर की निर्मम हत्या कर दी जाती है या फिर चार्ली हेब्दो के जो पत्रकार हैं उनको मार दिया जाता है, तो आज कहीं ना कहीं फ्रांस की जनता फ्रांस की सरकार के साथ खड़ी नजर आती है। हमारे देश में सीधा ठीक उलट हो रहा है कि यहाँ पर एक दूसरे का गला रेता जा रहा था। अगर मैं बात करूँ फरीदाबाद की, फरीदाबाद में सिर्फ लव जिहाद में नाकाम हो गया तो उसने गोली मार दी। अगर बात करें हम मंगोलपुरी में उसकी बीबी को छेड़ने के रोकने के विरोध में उसको लाठी डंडों से और चाकुओं से मार दिया गया। क्या चल रहा है आखिरकार? सुशील जी
चाहे लड़का हिंदू हो चाहे लड़की हिंदू हो, आखिर में कटना हिंदू को ही पड़ रहा है। आप चाहे दिल्ली में अभी राहुल राजपूत का केस देख लीजिए, चाहे फरीदाबाद में निकिता तोमर का केस देख लीजिए, चाहे सोनभद्र में हो रहे केस को देख लीजिए, या देश के अंदर चाहे अभी हैदराबाद में जो केस हुआ उसको उठाकर देख लीजिए, आखिर में कहीं ना कहीं हिंदू ही उसमें जो है विक्टिम होता है। और ये लोग जो है तुष्टिकरण की आड़ में अपने राजनीतिक अकाउंट द्वारा बचा लिए जाते हैं। अब मैं आपको इससे भी एक और उदाहरण देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक प्राइम मिनिस्टर थी जूलिया गिलार्ड। जब इन्हीं सो कॉल्ड शांति दूतों ने, सिंगल सोर्स वालों ने वहाँ पर भी जो अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करी और उन्होंने कहा जी हम तो शरिया कोर्ट चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो जूलिया गिलार्ड का एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया उन्होंने। उन्होंने कहा भैया देखो मेरा देश मेरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, ये देश लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से चलेगा, और मैं 24 घंटे की मोहलत देती हूँ। एयरपोर्ट पर प्लेन खड़े हैं, जिसको शरिया चाहिए वो तुरंत प्रभाव से जो है देश छोड़कर चला जाए। देखिए जब तक आप देश को कानून सम्मत तरीके से नहीं चलाएंगे, आज भारत के अंदर बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से तमाम आपको जो है क्रिश्चियन संस्थाएं आपको धर्म परिवर्तन कराती हुई नज़र आएंगे, तमाम जो है इस्लामिक संस्थाएं यहां किस प्रकार से चल रही हैं आप वो सब पाएंगे। अच्छा उनके ऊपर यदि कोई कानूनी जो है कानून बनाकर जो है धर्मांतरण को रोकने का प्रयास किया जाएगा तो फिर वो अपने राजनीतिक आकाओं की जो उनकी मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो इस प्रकार का नाटक ऐसा क्यों चलता है? क्यों? क्योंकि जब देश की राजनीति में राष्ट्रवाद से ऊपर तुष्टिकरण हावी हो जाए तो ये जो है आज भले ही आपको जो है ये समस्या नहीं दिख रही हो देश के अंदर, पर ये समस्या के सिम्टम हैं। आज जो भिंडी बाजार में हो रहा है ये समस्या का सिम्टम है, आज जो भोपाल के अंदर हो रहा है ये समस्या के सिम्टम हैं, जो कल आपके हमारे सामने शाहीन बाग में हुआ आप बताइए शाहीन बाग में क्या नारे लगे, आप बताइए वहाँ CAA NRC का विरोध हो रहा था वहाँ नारे क्या लगे, वहाँ नारे लगे अल्लाह अकबर, वहाँ किस प्रकार के भाषणों का प्रयोग हुआ, हम देखेंगे ये तख्त उछाले जाएंगे ये ताज उछाले जाएंगे, किसकी कविता थी, किसके बारे में लिखा गया था, और आप किसके तख्त उछालेंगे और किसके ताज उछालेंगे। तो आज इस देश के बहुसंख्यक समाज को एक सामाजिक समरसता सिर्फ आपकी और मेरी ठेकेदारी नहीं है, उस समाज में रहने वाले हर जात हर संप्रदाय के व्यक्ति की जो है उतनी ही जिम्मेवारी है। पर कहीं ना कहीं इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति इतनी हावी हो गई कि ऐसा लगता है कि इस देश में सद्भावना और भाईचारा बनाना सिर्फ हिंदुओं की ठेकेदारी है। पर सबसे बड़ी बात है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसा एक्शन ले सकती हैं, या चाइना की अगर हम बात करें, बेशक चाइना से हमारे हिंदुस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं, वो ऐसे एक्शन लेता है जो वहाँ पर कट्टरपंथियों लोगों को बढ़ने नहीं देता है, तो क्या आखिरकार हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं हो सकता? देखिए चाइना में तो कट्टरपंथ की बात ही नहीं हो रही है, चाइना में जो उइंगर मुस्लिम्स हैं उनको डिटेंशन कैंपों में रखा जा रहा है, उनको दाढ़ी नहीं रखनी दी जाती, उनको जो है 5 वक्त की नमाज जो है अदा करने नहीं दी जाती। पर इतना सब कुछ होते हुए भी जो है अकल के अंधे बने हुए हैं ऐसा महसूस करवाते हैं इमरान खान, जो हर 10-15 दिन में भारत के मुसलमानों को जो है प्रोवोक करने के लिए जो है बयानात देते हैं, और वो तुर्की का राष्ट्रपति तमाम बयानात देते हैं। देखिए ये धंधा है, पैसे के आगे सारी दुनिया चुप हो जाती है। क्यों? चीन के पैसे पर जो है पाकिस्तान पल रहा है, तो उसको वहाँ के मुसलमानों पर होती हुई ज़्यादतियाँ नज़र नहीं आती, और इनका कोलिजन है, चीन टर्की और जो है पाकिस्तान का कोलिजन है, तो उनके भी बिजनेस इंटरेस्ट हैं टर्की के, इसीलिए वहाँ पर होते हुए मुसलमानों के ऊपर होती हुई ज़्यादतियाँ टर्की को भी नज़र नहीं आती। क्यों? धंधा है पर गंदा है ये। तो इस सबसे बड़ी बात है कि हम आलोचनाएँ तो हम कर सकते हैं, चाइना की करें चाहे पाकिस्तान की करें चाहे फिर टर्की की करें, आखिरकार हिंदुस्तान के अंदर इस कट्टरपंथी लोगों के ऊपर लगाम कब लगेगी? अब तो कहते हैं कि जो वोटर हैं वो कहते हैं कि हमने तो राष्ट्रवादी सरकार को इसीलिए लेके आए थे कि यहाँ पर कट्टरपंथता को लगाम लगा दी जाए, अब तो उनके साथ भी छलावा होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए सुशील जी, इस देश की जो सरकारें हैं आज 2014 से पहले की सरकारों ने क्या 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 नहीं किया वो आपके हमारे सामने है, परंतु 2014 के बाद जो इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार आई जिसके इरादे बहुत ही स्पष्ट हैं, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर सरकार को जो है लोकतांत्रिक तरीके से काम करना होता है, क्या पता
आप सरकार के भरोसे बैठे हों और सरकार आपके भरोसे बैठी हो, तो इस चीज को आज देश के इस बहुसंख्यक समाज के अंदर एक स्वतः जागरण होना बहुत आवश्यक है। हमारे देश की महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई और जो आदमी है या इंसान व्यक्ति है उनको महाराणा प्रताप की भूमिका में आना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। आज आप नहीं जागेंगे, दिल्ली में शाहीन बाग हो जाता है और अमानतुल्ला खान जो सबसे ज्यादा दंगे भड़काने का आरोपी है वो बंदा 74-75 हजार वोट से जीत जाता है। आप देखिए उनके समाज का पोलराइजेशन किस प्रकार से हो रहा है, जब वो एक दंगा भड़काने वाले आदमी को इतने प्रचंड बहुमत से जो है जिता सकते हैं, आपको किसने रोका है? क्योंकि आज आपको जहर को जहर से काटना पड़ेगा, आज लोहे को लोहे से काटना पड़ेगा। ये जो सांप्रदायिकता, ये एक संप्रदाय के लोग इस देश के अंदर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, तमाम उदाहरण देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक, चाहे उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी को मार दिया जाता है, चाहे बंगाल के अंदर हर दूसरे दिन हिंदुओं की हत्या हो रही है, चाहे आप आज मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो है प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदू होने की वजह से, एक हिंदू तथा कथित हिंदुत्व का ठेकेदार जो है दशहरे के मंच से हिंदुओं को जो है चिढ़ा रहा है। तो ये रीज़न इसका सबसे बड़ा ये है कि जब तक इस देश के सनातनी हिंदू धर्मावलंबियों के अंदर जो है एकता नहीं होगी, जब तक आप जाट गुजर ब्राह्मण बनिया शूद्र इस प्रकार से बटे रहेंगे तो आप कटते रहेंगे। और ये हम देखते आ रहे हैं कि आज देश के अंदर हो रहा है। आज आपको ब्राह्मण सभा पर तो गर्व है, पर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके साथ कब खड़े होंगे? आज आप गुजर सभा बना रहे हैं, आज आप जाट महासभा बना रहे हैं, पर आप हिंदुत्व के लिए कब खड़े होंगे? आप आज अपने समाज के लिए क्यों खड़े नहीं होंगे? आप सोचिए, एक म्यांमार से लेकर सीरिया और जर्मनी से लेकर फ्रांस में होने वाली तमाम घटनाएं, जिसका भारत से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, उन घटनाओं के गुस्से का प्रदर्शन यहां एक समाज कर रहा है, पर आप अपनी ही बहन बेटियों के साथ होती हुई ज्यादतियों पर खड़े नहीं होते, फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर छोड़ देते हैं। आप कब खड़े होंगे? यदि आप खड़े नहीं होंगे तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा और आपके बच्चे भी कल को धर्मांतरण करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, वरना मार दिए जाएंगे।